हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, जो भी हां थोड़ी चुदा ਅਸੀਂ ਮੋਰਨੀ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਕਲੇਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਚੋਕਲੇਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਜੀ ਲਿਆਈ ਚੋਕਲੇਟ। ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਟਕੈਟ ਲਿਆਈ, ਕਿਟਕੈਟ ਇੱਕ ਫਾਈਸਟਰ ਲਿਆਈ, ਐਸਐਸ ਕ੍ਰੀਮ ਲਿਆਈ, ਐਸਐਸ ਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਨ ਮਾਰਿਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਨ ਮਾਰਤੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਨੋ ਚੋਕਲੇਟਸ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਗੇਟ ਪਾਓ ਜੀ। ਬੈਕ ਗੇਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਭੈਣ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ ਦਬਾਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਨਈ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਡਾਲੀ, ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਗਾਈਜ਼, ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਸ ਪੇ ਏਅਰ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪੇ ਜੋਰਡਨ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਇਨਕਾ ਪੇਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਗਾਈਜ਼ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਈਜ਼ ਆਜ ਹਮ ਸਾਗਰ ਰਸੋਈ ਸੇ ਨਿਕਲ ਚੁਕੇ ਹੈਂ, ਅਬ ਹਮ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। सीट बेल्ट लगा लीजिए। और हमारे सामने एक BMW X1 खड़ी है। चलने लगे हैं, चलो चलो। क्या जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री श्री रवि शंकर भगवान की जय। आगे बंदा जा रहा है, हम जाने देंगे गाइस, क्योंकि हमारे पास तो टाइम क्या है, भरपूर टाइम खुला है। पैसे और टाइम में से हमारे पास एक चीज की कमी है, वो है पैसा। टाइम पर हमारे पास भरपूर है, एक घंटा, दस घंटा, बीस घंटे सब है। अब निकल रहे हैं हम, शीशे नीचे गए हैं गाइस। वाओ गाइस, बहुत अच्छा मौसम है बाहर, हवा नहीं आ रही, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और ये हम आसमान की ऊंचाइयों पर। हवा आती हुई। मैच की बात करते हैं, IPL की बात करें, शुरू करें। आज ऐसे दिन क्या, 24 अप्रैल है, और कुछ खास दिन है आज। सचिन वीर का बर्थडे है, और आज आज हमने अपनी गाड़ी में 2400 रुपए का पेट्रोल भी डलवाया है। 2457 का, 2457 का पेट्रोल डलवाने का ना मेरा रीजन क्या होता है, दिन 24, 5 का मतलब होता है 5 नॉलेज पॉइंट, 7 का मतलब होता है 7 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओह माय गॉड, क्या इन हवा के झोंकों को महसूस कर पा रहे हो तुम? आनंद आ रहा है, आनंद आनंद। अब बात यह है कि मुंबई 7 में से 7 मैच हार गई है, और मुंबई को टारगेट मिल गया कुछ लगभग 170 का। 170, हाँ। फॉर्म को देखते हुए ये भाई ने तो रोहित भी ड्रॉप किया है, तो बनने तो नहीं चाहिए रन, बट फिर भी ओपिनियन जान लेते हैं किसका क्या है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आज मुंबई हारेगी, क्योंकि उसका आज जीतना। एंड वी विल बी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर आइल्स क्लियर्ड some of your words in English, some of your words. I'm not saying the whole sentence to be English. Okay, let me continue. Okay. Over to Tarun Good. Vani. So, I think Mumbai is one of the best team in the IPL. So, in this season, I don't think so the performance of Mumbai Indians is so good. But like Rohit Sharma is a very good player. Ishan Kishan is the most expensive of 2022. Of 2022 IPL. Might be 15 crore in the bags. Purchased by Nita Ambani. Nita Ambani, Bhabhi ji. I think it is not the fair decision by the Nita Ambani to purchase this much expensive player. I don't think so. But galat baat hai. Usko thodi bata da bro. Usko thodi bata da nahi hai, nahi hona, is not a way, but आई थिंक वो नहीं करना अच्छा चाहिए, ले सकते थे इससे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और बताइए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, माय पॉइंट ऑफ व्यू, मुंबई इंडियन इज माय पर्सनल फेवरेट टीम ऑफ आईपीएल, ऑफ आईपीएल, बट आई डोंट सपोर्ट, बिग स्टेटमेंट गाइस, बिग स्टेटमेंट, आई डोंट सपोर्ट दिस टीम इन दिस सीजन, बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द प्लेयर्स आर फकिंग रूड। नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर ऑफ मुंबई इंडियन हैव अ गुड कैपेबिलिटी मुंबई इंडियन मैच, माई ड्रीम इलेवन टीम, द कैप्टन ऑफ माई टीम इज सूर्य कुमार यादव। ओके, बिकॉज आई सो हिम अर्लियर एज परफॉर्म्ड अर्लियर ऑल्सो अर्लियर
fucking asshole is. I think he's a very good player. Yeah. Okay. So. तो अपने शब्दों में बयान कीजिए इस साल क्या हो रहा है उनके साथ. वो सात के साथ मैच हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, क्या उनकी पोटेंशियल ही नहीं है या क्या हो रहा है उनके साथ? उनके पास सबसे बड़ी बात तो उनके पास प्लेयर अच्छे नहीं है इतने. सबसे बड़ी बात है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द इंडिया टीम लाइक जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा एंड ईशान किशन ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं गाइस, इंटरनेशनल प्लेयर्स. जैसे कि हम इस बार ब्रेविस को भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, छोटा बच्चा है पर अच्छा खेल रहा है. और मेरे हिसाब से मुंबई इंडियन इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है ड्यू टू स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स ऑफ द रोहित शर्मा और एज अ कैप्टन. बट यस सेम टाइम पे अगर हम शर्मा की बात कर रहे हैं ना, कोहली की भी बात, क्या हो गया है भैंड के लौड़े को, मल ले लिया भैंड के रन ने. बैक टू बैक जीरोस, बैक टू बैक जीरोस, कहाँ चला गया बैंड चौदह पुराना कोहली वापिस चाहिए. इतने जीरोस कौन करता है भाई, बहुत ही लापरवाह हो गया है, बहुत ही लापरवाह. फेलियर हर किसी की लाइफ में आते हैं, पर ऐसे भी आते हैं, पर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको इतने बड़े बड़े लोग. इंसान की पहचान ना उसकी जीत से नहीं होती, उसकी हार से होती है कि वो उठेगा कैसे. पर बेंच ऐसी हार, दो जीरोस, कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है विराट कोहली का. बेंच पिछले सात मैचों में एक फिफ्टी मारी, जो आउट हो गया उससे पिछले मैच रन आउट हुआ है यार. ये तो बातों की लग रहा है कि सिर्फ बातों का रह गया विराट कोहली यार. बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस चल रहा है, बहुत ही गंदा. और मेरे को इस बार ऐसा लगता है कि आईपीएल में ऐसे ऐसे प्लेयर चल रहे हैं जिनको हमने आज तक परफॉर्म कर. मनोहर जितेंद्र शर्मा पंजाब का, दिनेश कार्तिक की इस बार परफॉर्मेंस. भाई दिनेश कार्तिक की स्टोरी तो इंस्पिरेशनल है. दिल टूटा था बंदे का, उसकी बंदी को कुछ चुरा के ले गया था बता रहे. उसके बाद कमबैक करना, फिटनेस पे काम करना और आईपीएल में रोक करना, भाई बहुत जिस तरीके से किया. उसके बाद हम आते हैं कुलदीप यादव पे. भाई साहब वो प्लेयर ना कॉन्स्टेंट नहीं है. एक मैच में अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑन द अदर हैंड वो नेक्स्ट मैच में उतना अच्छा परफॉर्म. वो अब तो बायस जो रहा है कि पिछले मैच में तेरे को पॉइंट्स नहीं मिले. नहीं 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 नहीं, दैट्स नॉट. बटलर ने मारा है उसको, पर बहुत तगड़ा खेल रहा है इस साल, अच्छा खेल रहा है उसको. मोइन अली ने मारा है. हो गाइस मैं आपको व्यू दिखाना चाहूंगा 98 हिल्स, क्या बात. लेट्स सी द व्यू. देख सकते हैं क्या? या या चेंज हो जाता है क्या? नहीं होता नहीं होता, तो सीधा ही रहेंगे. अपने फोन से ले लो ना, मैं ऐड कर दूंगा इसमें. छोड़ दो भोग चोदिए बड़ी चत के द विलेज 98 हिल्स. अच्छा है गाइस, मोरनी हिल्स से वापस आ रही है. मोरनी हिल्स नहीं कहेंगे, मंडोली क्या मदाना से वापस आ रहे हैं. कुछ 18 किलोमीटर दूर था नाडा साहिब से. 5 बजे के निकले. ऑल क्रेडिट गोज टू आवर ड्राइवर जोनी चावड़ा. मैं ज्यादा अच्छा चला नहीं पाता. 5 बजे के निकले पनामा के जंगलों में. बोलना वो लाइन सुना दे पर अन्नी दिया तो बैक टू बेसिक्स. पहले अभी तक के आईपीएल के बारे में बात कर लेते हैं. हमारे पास 15 मिनट की वीडियो बनानी है, तो अभी तक के आईपीएल की बात करें, हर टीम की बात कर लेते हैं. सबसे ऊपर तुम्हारे सबसे कौन सी टीम? पॉइंट वाइज सबसे ऊपर कौन सी? सबसे पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा इसको शुरू करने से पहले. देखो आईपीएल पहले मैं देखता था अपनी फेवरेट टीम के लिए, पर जब से मैं ड्रीम इलेवन खेलने लगा हूँ आई डोंट हैव एनी पर्सनल फेवरेट टीम. सो आई जस्ट मैं सिर्फ अपने प्लेयर्स के हिसाब से देखता हूँ कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं. तो मैं अपनी ड्रीम इलेवन वाली टीम भी हर किसी के परफॉर्मेंस को देख के ही चूज करता हूँ. जैसे पिछले मैच में मैंने अल्जारे जोसेफ चूज किया था ओवर फर्गुसन क्योंकि अल्जारे जोसेफ का पहला मैच था और पहले मैच में उसने इतना बढ़िया परफॉर्म किया था, दो विकेट्स लेके गया था वो, तो इसलिए मैंने उसको चूज किया ओवर फर्गुसन. तुमने वाइस कैप्टन भी अय्यर खड़ा है था उसमें. वाइस कैप्टन भी अय्यर खड़ा चलो, था नहीं चला तो वाइस कैप्टन अय्यर वर्सेस सुनील नारायण है. देखा जाए तो अय्यर बैठा. गुजरात की टीम सबसे ऊपर है, तुम क्या कहना चाहोगे कौन है उसमें? बहुत हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली, मतलब मेन हार्दिक पांड्या की फॉर्म अच्छी चल. थोड़ा इधर ऑफिस क्लैरिटी दिखना चाहिए. हाँ गुजरात में ना हार्दिक पांड्या की फॉर्म अच्छी चल रही है और अग्रेसिव है. बेंच बैटिंग भी खुद कर रहा है, बॉलिंग भी खुद कर रहा है, साथ में स्पोर्ट मिल रहा है उसको. लक नाम की भी चीज होती है, टाइम अच्छा है, टाइम अच्छा है, ऐसा नहीं है. मुंबई का टाइम अच्छा नहीं चल रहा. हाँ सही बात है, सही बात है. मुंबई चेन्नई का टाइम अच्छा ही नहीं चल रहा कह सकते हैं, पर मुंबई कहते हैं ना होम ग्राउंड में मैच हो रहा है. होम ग्राउंड में हारी है मुंबई. मुंबई का मैच कितने सारे मैच ऑब्वियसली मुंबई के होम ग्राउंड में रखे हैं, पर एक भी मैच अभी तक जीत नहीं पाई मुंबई. क्या कह सकते हैं, टाइम बुरा है या फिर हार गई है? बहुत गंदा हार गई. एक मैच भी ना जीतना. गुजरात 7 में से 6 जीती है और वही मुंबई 7 में से 7 हारी है.
उसका क्लोजेस्ट मैच था एमएस धोनी के साथ, पर मेरे हिसाब से आज जीतेगी मुंबई। अब इस पे बात करते हैं, हम इस पे बात करेंगे। हम सारी 10 टीमों के नाम लेना चाहते हैं। सबसे पहले पहली टीम कौन सी है? गुजरात। कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। अच्छे प्लेयर्स कौन है? राशिद खान, शमी, फर्गुसन। राशिद खान मनोहर उसी टीम में है गाइस, मनोहर उसी टीम में है। मिलर, मिलर और मनोहर उसी में है क्या? मनोहर उसमें। आपने देखा होगा कि मिलर और राशिद खान ने मैच को जितवाया था। तवतिया बहन चोद, आखिरी दो बोलों में दो छक्के मारना कोई छोटे टट्टों का बात नहीं है। खबर बहुत बहुत खतरनाक इंसान है, बहुत अच्छा किया था, बहुत ही बढ़िया। तो हार गुजरात, उसके बाद हमारी बैटिंग वो आ रही है टीम लखनऊ, लखनऊ राहुल भाई साहब, राहुल की भी बहुत बढ़िया है यार, साफ सी बात है। सेकंड नंबर पे बेंगलोर है। आज से देखे, आज भी शतक मारे राहुल भाई। आज देखे चाहे पहले देखे, कंसिस्टेंट, एकदम कंसिस्टेंट, चाहे वो इंडिया के खिलाफ इंडिया के साथ खेले, चाहे वो लखनऊ के साथ खेले, हमेशा कंसिस्टेंट है वो प्लेयर, हमेशा कंसिस्टेंट है। हालांकि 2-0 मिले हैं उसको भी इस बार आईपीएल में। पहले ही मैच में शमी ने 0 पे आउट किया था और एक बोल्ट में, ने बोल्ट और वो मैच तो इतना ज्यादा सीखने वाला था ना भाई, अगर तुमको पता हो। सौरा साहब आए हुए थे और भैंचोद इंसान पहले ही 0 पे चला जाए, सौरा के सामने कितनी गंदी लस्सी हो जाती है भैंचोद। ओ माय गॉड, वाइल्ड लाइफ एनिमल वो भैंचोद, वाइल्ड लाइफ एनिमल डर गया। So guys, हम यहाँ मोरनी के जंगलों में घूम रहे हैं और मोरनी में ना हर जगह लिखा हुआ है कि ध्यान से चलाएं, क्रॉसिंग पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आ जाते हैं। इवन न्यूज पेपर में पढ़ा था यहाँ तेंदुआ तुंदुआ घूम रहे हैं, मोहाली में तेंदुआ को जीने का हक नहीं है, वो घूम सकता है यहाँ पे, जंगल है, बकायदा जंगल है। प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, उसको स्पेस दो, रहने दो। तो दूसरी टीम थी लखनऊ, तीसरी टीम की बात करें जल्दी, टाइम देखिए कितने इसमें, बेंगलोर एक मिनट, 11 ग्यारह में है ना, 15 टच नहीं करने देना क्योंकि यूट्यूब पे मेरे से अपलोड नहीं होती फिर। बैंगलोर तीसरी टीम कौन सी है? बैंगलोर है जो अच्छा कर रही है, बैंगलोर अच्छी है उसके, हैदराबाद है, हैदराबाद है, हैदराबाद चौथे में चली है बैंगलोर। हाँ हैदराबाद अच्छी है, कैसे गई है मैच लगातार चार मैच हार रही थी, उसके बाद जीतना स्टार्ट हुआ उसका हैदराबाद का ना। हैदराबाद शुरू में तो हार गई थी, हार रही थी वो, अभी तक विलियमसन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एक मैच चला है सिर्फ यार, उसको हम वाइस कैप्टन है, कैप्टन खड़ाते हैं। एक मैच उसने कुछ मारे थे, एक मैच मारे थे वो भी मेरे को याद है, उसी मैच में पैसे हारा था मैं, जब वो शमी वाले मैच में ही हुआ था, विलियमसन ड्रॉप करा था, मैं भी खेला, मेरा कैप्टन था उस टाइम विलियमसन। हाँ याद है, जब मैं जीता था याद है। बाकी सारे मैचों में विलियमसन नहीं चला, बट अभिषेक शर्मा, मकरम पूरन और यार त्रिपाठी बैंड दा लौड़ा, राहुल त्रिपाठी भाई कहाँ से चल रहा है लोडू दिन, दो छक्के भाई, वो जो वरुण चक्रवर्ती को उसने छक्के मारे थे ना भैन चोद, आप बहुत ही क्लासिकल शॉट थे। और भैन चोद रिटायर्ड हर्ट होके गया था, रिटायर्ड हर्ट होके गया था वो पिछले मैच में। तो राहुल त्रिपाठी भी बहुत तगड़ा है। तो हैदराबाद में ये है, और हैदराबाद में उमरान मलिक यार एक ओवर में 3-4 विकेट निकाली थी भाई, पेस है भाई। और भुवनेश्वर है वो भाई मैच्योर हो गया, अब एक आदमी लेता है, पेस नहीं गई उसके बाद। माइक्रो जेंसन है, अब माइक्रो जेंसन भी देखिए ना, वो बैंच अफ्रीका का बंदा है, इंडिया और इनका जब टेस्ट मैच हुआ था भाई तगड़ा था वो, बैटिंग कर लेता है, चल मौका नहीं मिल रहा उसको बैटिंग करने का अभी। ये है तीन टीमों की बात होगी, चौथे नंबर पे आरसीबी है, आरसीबी के साथ ना बहुत बड़ा गैम्बल रहता है कि क्या आरसीबी ट्रॉफी जीत पाएगी, ट्रॉफी तो यार कैसे जीत रही है, उसमें चल नहीं रहा कोई प्लेयर, दिनेश कार्तिक चल रहा है बहुत तगड़ा, चल रहा है हर मैच में छक्के चौदे हैं उसने, हर मैच में छक्के, उसमें प्लेयर अच्छे हैं, हर्षल पटेल अच्छा है, केकेआर से आरसीबी हेजलवुड अच्छा है, सिराज को विकेट नहीं मिल रही, हसरंगा बहुत तगड़ा है, मैक्सवेल आया अभी, मैक्सवेल डुप्लेसी दो मैच में चला है, एक मैच में 96 मार गया है, पहले मैच में ही चौदह था, बहुत अच्छा चौदह था उसने, उसके बाद भी मारे थे। हाँ अभी कल पर भाई जो कल गिरी है 67 23 अप्रैल, तो यार आरसीबी का दिन बैंड चौदह एक नंबर का, बहुत गंदे तरीके से गिरी है गाइस, बहुत गंदे तरीके से, लौड़े लूड़े लग गए थे, लूड़े अंडा अंडा लूण दा आरसीबी दी फुंड विच ला नसूर दा बैंड चौदह, आरसीबी के लौड़े लग जाते हैं गाइस जब गिरती है बैंड, जो अंधा अंधा गिरती है। उसके बाद कौन सी टीम है? चार टीमें हो गई हैं, गुजरात, लखनऊ, हैदराबाद और आरसीबी, अभी तक की टॉप चल रही है। उसके बाद आती है केकेआर, अच्छी टीम है यार, रसल है बैंचो, नारायण का सबसे एक्शन चेंज हुआ है ना, नारायण काम का नहीं रह गया,
वरुण चक्रवर्ती की कितनी गंदी गांड मारी है बैंड, जो कोई क्या कहे। वरुण चक्रवर्ती पता क्या हुआ था पिछले साल T20 वर्ल्ड कप हुआ याद है, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारी है इंडिया, चहल की जगह वरुण लेके गए और वरुण की हालत देखो, चहल नहीं लेके गए। चहल की बात करेंगे अभी, पर हम अभी KKR पे थे, पांचवी टीम जो है हमारी, तो उसमें और कौन सा बैट्समैन कौन सा KKR में, अय्यर नहीं चल रहा इस साल, अय्यर अपना चल रहा है और ओपन कौन करता है वहाँ पे, उसमें सुरेश अय्यर, फिंच आया था एक बारी, फिंच आया था भाई देख ले, जब टीम नहीं परफॉर्म करती ना किसी को बाहर कर देते हैं, राणे बाहर कर दिया, नीतीश राणा ओके है मिडिल ऑर्डर में, रिंकू सिंह खिलाया था पिछले मैच में अच्छा था, कैचे पकड़ गया था रसल, यार टीम में लेते भी ना सोचता है बंदा, ओवर करता है एक आधा, यार ये बहुत बड़ा डिबेट है, बुद्धि दे जैसे वो आती है बॉलिंग, तो सारे ओवर कर, सही बात, तेरी बॉलिंग के कारण टीम को फायदा हो रहा है तो सारे कर ले, सही बात है। और भाई जो पर पता क्या होता है, एक और चीज होती है ये ना, इसको अपनी बॉलिंग पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बात आती है डेथ ओवर की, डेथ ओवर में ना हर प्लेयर ना चाहता है कि मैं उड़ाऊं शॉट को, तो मेरे हिसाब से कि वो रसल का दिन अच्छा था कि उसके जो शॉट्स है सारे हाथ में है, नहीं तो रसल इतना अच्छा बॉलर नहीं है देखा जाए तो। बात सही है, पर यार पिछली बार विलियमसन वाले दिन भी वो कर गया था, बाकी ठीक है कह सकते हैं, इसके ऊपर ना मैं और बात भी करेंगे कि कितना है 14 16 हो गया अभी, तो बहुत जानी है, एक काम करना ट्रिम करके डालना, फिर इसको बंद कर दोबारा शुरू कर,